ट्रेन की आवाज यहाँ से होगा सर, यहाँ से होगा। This is the most silent diesel engine you will ever find in the entire segment of 2 liter engines. सही। और यहाँ पर ये क्या दिखा रहा है? ये आपका एयर फ्लो का डायरेक्शंस। ओके। को मैंने एक्सीलेटर दिया है, ब्रेक से पैर हटा के, राइट? तो सीधा टर्निंग रेडियस है कार का वो 5.35 meters है सिर्फ। जैसे अगर आप नॉर्मली ये व्हील बेस में देखते हैं तो द मिनिमम वुड बी 5.5 or 5.6 meters। ओके, यस। सो राइट नाउ इट्स अ थर्ड गियर, राइट? जैसे मैं एक्सेलरेट करता हूँ आप देख सकते हो गियर्स चेंज होंगे, बट आपको जरा भी फील नहीं होगा, राइट? And even there are many humps on the road, but you are not feeling any of it. Yes. सीट बहुत ही ज्यादा मोशन के साथ बहुत एडजस्ट कर रही है, तो इट्स काइंड ऑफ फ्लाइंग कार्पेट इफेक्ट, तो मोशन के साथ काफी एडजस्ट कर रही है, और ये मतलब बिल्कुल भी ऐसा फील नहीं कर रहा कि कहीं पर भी एकदम से कोई झटका आपने फील किया हो। इट्स सिंपली लाइक इट विल गिव यू के लाइक यू आर स्विंगिंग समवेयर। एग्जैक्टली। This has also been called a moonroof, panoramic sunroof. And these are UV protected glasses. So, आपको light आ रही है, but you are not feeling the heat. Yes. सिर्फ आगे की windows में और विंड्स के लिए था। आपका गाड़ी आगे नहीं जाएगा या पीछे नहीं जाएगा, right? So that is the best thing for this engine and the body. कि आपको हमेशा body rollover कभी नहीं होगा। बॉडी रोल ओवर में कभी भी आपको हाई स्पीड में टर्न्स आप कॉर्नर्स पे करोगे तो आपका बॉडी रोल ओवर ज्यादा नहीं होगा। सो वी आर ड्राइविंग एट अ नॉर्मल मोड राइट नाउ, बट वंस वी गेट द ट्रैफिक क्लियर विल बी सुपर शॉट। सो एज यू कैन सी कोई भी जगह पे आपको बाउंस बैक नहीं मिलेगा। जैसा ना ब्लिंक हो जाएगा। दिस इज द लोएस्ट वैल्यू 13 डिग्री सेल्सियस, 13 डिग्री सेल्सियस। आपको मैन्युअली ड्राइव करना है तो यू जस्ट नीड टू प्रेस द एम बटन, इट्स मैन्युअल नाउ। सो डाउन शिफ्ट अपने आप करेगा और पैडल शिफ्टर से आपको सिर्फ अप शिफ्ट करना है। सो दिस इज एम, सो इट्स मींस मैन्युअल। मैनुअल में डाउन शिफ्ट अपने आप करेगा, अप शिफ्ट आपको सिर्फ करना है। जैसे अभी फर्स्ट गियर पे, राइट? सो मेरे को जितना एक्सेलरेशन करना है मैं कर सकता हूँ, फिर जस्ट पैडल शिफ्ट, नथिंग एल्स। सो यू कैन सी राइट अवे कि वहाँ पर आपको ब्लाइंड स्पॉट है। यस, सो ब्लाइंड स्पॉट आपको तुरंत ही देखने मिल जाएगा अगर कोई भी कार आपको ओवरटेक करने आ रही है। जैसे अभी अपन थोड़ा स्लो करेंगे और ये कार को आगे आने सिक्स एयर बैग्स। यस, कर दिया, राइट? सो दिस इज न्यूट्रल एंड दिस इज डी ड्राइव, देयर इज नो काइंड ऑफ फील टुवर्ड्स द ट्रांसमिशन दैट इट इज चेंजिंग द गियर्स, राइट? फ्रॉम न्यूट्रल टू फोर्थ, राइट? सो वी आर स्टैंडिंग एट फोर्थ गियर राइट नाउ, तो आपको तुरंत ही आपको पता चल जाएगा कि द गियर बॉक्स इज सो एफिशिएंट एंड सो फ्लॉलेस। जैसे अभी आपने फिफ्थ गियर चेंज हुआ आपको पता भी नहीं चला। इंजन ऑफ करने पर ऑटोमेटिकली पार्किंग ब्रेक हो जाएगा, और अगर पी बटन यहाँ से प्रेस करते हैं तो इट विल गो डायरेक्टली न्यूट्रल। यस, न्यूट्रल एंड पार्किंग में, न्यूट्रल एंड पार्किंग बोथ। यस, और जैसे ही आपने कार स्विच ऑफ किया, राइट?
आपका सीधा पार्किंग ब्रेक, इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक चालू हो जाएगा, चालू हो जाएगा। ये पार्किंग ब्रेक की एक खासियत है कि आप जब ट्रैफिक में हो, हाँ, आपने पार्किंग ब्रेक लगा दी, हाँ, फिर आपको उसको वापस अनलॉक करने की जरूरत नहीं। जैसे एक्सीलरेट करोगे ना, रिवर्स में डालना है, राइट, रिवर्स में मैंने ब्रेक छोड़ दिया, अभी पार्किंग ब्रेक एक्टिवेटेड है, मेरे को सिर्फ थोड़ा सा एक्सीलेटर थोड़ा दिया ना, अपने आप चले जाए, अपने आप पार्किंग, अपने आप रिलीज हो जाएगा, अपने आप रिलीज भी हो जाएगा, रिलीज भी हो जाएगा अपने आप। और आगे जाके अगर देखते हैं तो सेंसर्स भी हैं, अगर आप ट्रैफिक में भी खड़े रहेंगे, हाँ, तो आपको यहाँ पर सेंसर्स दिखा देगा कि यहाँ पर जो अनवांटेड मार्क्स है, हाँ, वहाँ पर आपको इमेज वो बनना चालू हो जाएगा। ओके, यस, चेक। सो दैट कैमरा इज 180 एंगल वाइड व्यू एंगल, राइट। इफ यू सी दिस कार इज ऑलरेडी लाइक ridden फॉर लाइक 25,000 kilometers, एंड दो इट्स गिविंग द सेम परफॉर्मेंस as it's new. 25,000 kilometers already. Yes, only we. 25,000 would be normal, nahi. Haan. It's a standard vehicle. So everyone has रगड़ देती है. हाँ. सबने सर ये गाड़ी को अच्छे से यूज़ किया हुआ है. तो ये है Citroen C5 Aircross. गाड़ी की अगर ड्राइविंग एक्सपीरियंस की बात करें तो गाड़ी बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस देती है अंदर बैठे हुए लोगों को, आपको कोई झटका फील नहीं होगा। इवन हाई स्पीड पर भी गाड़ी की परफॉर्मेंस, गाड़ी की स्टेबिलिटी बहुत अच्छी है। तो अगर आप कोई कार प्लान कर रहे हैं 25 से 30 लाख के बीच में, तो ये प्रीमियम लुक्स के साथ बहुत अच्छी एसयूवी है इस टाइम इंडियन मार्केट में। आप एक बार इसको ज़रूर ट्राई करें, एक टेस्ट ड्राइव ज़रूर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।